जनपद मुरादाबाद के ग्राम लक्ष्मीपुर कट्टई में सर्व समाज सेवा समिति की ओर से ग्राम की गरीब महिलाओं व लड़कियों को 50 सिलाई की मशीन एवं 100 सूट व साड़ियां बांटी गयी। इस मौके पर मुख्य रूप से SDM सदर श्रद्धा शांडियाल मौजूद रही। उन्होंने बताया कि नारियों को आगे लाने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए समिति द्वारा ये अच्छी पहल है। इस प्रकार के कार्य होने से महिलाओं में समाज से लड़ने के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा। समिति के अध्यक्ष रूप सिंह प्रजापति के मुताबिक वे हर 90 दिनों में ऐसा कार्य करवाते हैं कि जिससे महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरणादायक होता है। इस मौके पर आसपास के गांव की सैकड़ों महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। मैं अपना सभी मीडिया बंधुओं को पहले नमन करता हूँ और ये बताता हूँ, जो प्रश्न आपने पूछा है वो सब कुछ आपको पता है, क्योंकि पिछली बार 9 मई को इसी संस्था के माध्यम से जो आप देख रहे हैं सर्व समाज विकास सेवा समिति, जिसका मैं स्वयं अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ में बहुत सारे मेंबर हैं, इसी के माध्यम से 9 मई को 20 सिलाई मशीनें बेटियों को दी गई थी, 100 सूट 100 साड़ियाँ गरीब बहनों को दी गई थी। आज फिर 90 दिन के अंदर मैंने ईश्वर की कृपा से वादा किया था तो 90 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। ये दूसरा कार्यक्रम है जिसमें 50 सिलाई मशीनें आज लड़कियों को वितरण की जा रही हैं, 100 सूट 100 साड़ियाँ जो गरीब बहनें हैं बुढ़िए हैं जिनके पति विकलांग हैं किसी के पैसे गरीब हैं उनको ये दी जा रही हैं। और इसके आने वाले फिर 90 दिन में फिर एक कार्यक्रम होगा 90 दिन के अंदर। इसी क्रम में हमने आज DM साहब को आमंत्रित किया था, अचानक उन्हें कहीं जाना पड़ा तो उनकी जगह हमारी बहन जी SDM महोदय आई हैं। महोदया, तो मैं इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये एक सर्व विकास समाज सेवा समिति की तरफ से लड़कियों को कपड़े और मशीन दिए जा रहे हैं, ये इनकी तरफ से अक्सर किया जाता है, तो आज यहाँ पर मैं आई हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में छोटा सा योगदान इस समिति के द्वारा किया जा रहा है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। कितनी सिलाई मशीन वितरण की गई है यहाँ पर? अभी 50 लड़कियों को दिया जा रहा है सिलाई मशीन, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि 3 महीने बाद फिर से और लोगों को देंगे। जो ये क्षेत्र है यहाँ की लड़कियाँ काम करके कुछ काम करेंगी, तो ये अच्छा प्रयास है इस समय।